हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, माय एल्डर ब्रदर। हमने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था माय एल्डर ब्रदर। आज हम लोग उसी के आधार पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले लिखा है रीडिंग इज फन। पढ़ना क्या है, फन है। व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुन्ना करना चाहता था। आपने चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर आसानी से क्या करेंगे, दे लेंगे। मुन्ना लाइक टू वॉक इन द गार्डन, इन द ग्रीन फील्ड्स। मुन्ना ग्रीन फील्ड में क्या करना चाहता था, वॉक करना चाहता था। ही आल्सो लाइक टू प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट, वो कंचे खेलना चाहता था, ठीक है, मार्बल्स से खेलना चाहता था एंड पेपर काइट जो है वो उड़ाना चाहता था। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे, भैया पूरे दिन क्या करता था। भैया रीड बुक्स ऑल डे, भैया पूरे दिन क्या करता था, बुक पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल, मुन्ना जो है टाइम टेबल से क्यों खुश नहीं था। दैट भैया मेड फॉर हिम, जो भैया ने उसके लिए बनाया। किसके लिए बनाया, मुन्ना के लिए बनाया। आप चैप्टर अगर पढ़े होंगे कल तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी कि उसमें सारी बातें दी गई हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप फिर से जाके उस वीडियो को देख लीजिए और फिर से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। अब लिखा है कि वाई वाज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल, मुन्ना अपने टाइम टेबल से खुश नहीं था, क्यों नहीं था। तो मुन्ना वाज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, जो भैया ने उसके लिए बनाया। बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन द टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल में कोई खेलने का समय नहीं था। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट वेन हीज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। आपको कैसा लगता है, कल लिखा है कि हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है मुन्ना फेल्ट मीन्स मुन्ना ने कैसा महसूस किया वेन हीज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, जब उसका भाई उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट था, सख्त था। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, यानी उसका भैया जो है उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट क्यों था, इतना सख्त क्यों था। मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम, जब उसका भाई उसके प्रति बहुत सख्त था, स्ट्रिक्ट था, तब उसको ऐसा लगता था कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वो दोनों कहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। अब वो सोचा, वो कहा कि अब हम मुझे घर जाना है। भैया वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम, क्योंकि भैया उसके साथ सख्त था। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पढ़ता था। एंड इन स्टीड वेंट आउटसाइड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ बाहर जाके क्या करता था, खेलता था, यानी खेलने के बजाय वो कुछ भी नहीं करता था। इसलिए भैया भी उसके साथ क्या रहता था, स्ट्रिक्ट रहता था। अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज आर भैयाज वाई, आप किसके कैरेक्टर को पसंद करते हैं, आप मुन्ना को पसंद करेंगे या भैया को पसंद करेंगे। अगर किसी को पसंद करते हैं तो क्यों, तो यहाँ लिखा है आई लाइक मुन्नाज कैरेक्टर द मोस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले एंड एन्जॉय हिज लाइफ, मैं मुन्ना के कैरेक्टर को पसंद करता हूँ क्योंकि वो खेलना पसंद करता है और इन्जॉय हिज लाइफ विथ हिज कम्प्लीट फन, और अपने पूरे जीवन को मजे से जीना चाहता है। ही इज़ नॉट बोरिंग लाइक हिज भैया, वो अपने भैया की तरह बोरिंग नहीं था। हु ऑलवेज लाइक टू स्टडी द होल डे, जो पूरे दिन केवल पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, आपकी अपना एक अलग आंसर हो सकता है, हो सकता है आप उसके भैया को पसंद करें, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जो पढ़ने वाला होगा वो भैया को पसंद करेगा, भैया इसलिए उसके प्रति स्ट्रिक्ट था क्योंकि यदि भैया खेलेगा तो वो और खेलेगा, भैया वहाँ पे सबसे बड़ा था, भैया के लिए मुन्ना देखभाल करने का उसका पूरी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो पूरा अपना पढ़ाई करता था ताकि उसको देख के वो भी पढ़े। तो आपको अपना अलग भी व्यूज हो सकता है, ये आपको अपने तरीके से देना है उसका आंसर। तो एक आंसर आपके लिए लिख दिया गया है कि मैं मुन्ना को पसंद करता हूँ, तो क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ही इज़ नॉट बोरिंग, ठीक है, ही इज़ नॉट बोरिंग लाइक हिज भैया, वो अपने भैया की तरह बोरिंग नहीं था। हु ऑलवेज लाइक्स टू स्टडी द होल डे, जो पूरे दिन पढ़ना क्या करता है, पसंद करता है। अब नीचे है
दूसरा लेटेस्ट टास्क, आइए हम क्या करते हैं बात करते हैं, डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल, क्या आपके स्कूल पे टाइम टेबल कोई है? अभी तो स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो एक टाइम टेबल फ्रेम किया जाता है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपके स्कूल में टाइम टेबल है। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज इन वन वीक, यानी जितने नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ब्लू कलर में उसमें एक हफ्ते में इसके लिए कितने पीरियड दिए गए हैं, इंग्लिश के लिए कितने हैं, हिंदी के लिए कितने हैं, गेम्स के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, एनी अदर एक्टिविटी और अन्य कोई क्रियाकलाप होता है तो ये आपको इसमें खुद से करना है। नीचे ये है, नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, आप खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाइए इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम, और उसमें आपको अपना स्टडी टाइम भी इंक्लूड करना है और अपना प्ले टाइम मीन्स खेलने का समय भी इंक्लूड करना है। तो आपको अपना टाइम टेबल भी बनाना है, खुद से बनाना है, आप एक टाइम टेबल बनाइए और ये दो काम आपके लिए है, ये होमवर्क है, आप ऐसा करेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये ठीक ठीक अपने कॉपी में क्या करेंगे लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कुछ और नेक्स्ट प्रश्न के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।